हरा मैच कैसे जीता हिंदुस्तान 140 पर एक विकेट से 170 पर 10 विकेट परख वाला तूफान। जी हां, भारत ने श्रीलंका के खिलाफ पहले T20 में 43 रनों से बुरी तरह हराया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट के नुकसान पर 214 रनों का बड़ा टारगेट रखा भारतीय टीम। और जॉब में बैटिंग करने उतरी श्रीलंका की तरफ से शुरुआत अच्छी रही। ओपनर बल्लेबाज प्रथम निशंका और कुशल मंडिस पहले विकेट के लिए 84 रनों की बड़ी पारी खेली। शानदार शुरुआत मिलने के बाद 170 रन पर ही श्रीलंका टीम ऑल आउट कैसे हो गई। श्रीलंका टीम 14 ओवर में एक विकेट के नुकसान पर 140 पर खेल रहे थे। यहां से श्रीलंका की जीत पक्की नजर आ रही थी। प्रथम निशंका 79 रन पर खेल रहे थे, जो भारतीय टीम के जीत के सामने दीवार बनकर खड़ी थी। ऐसे में अक्षर पटेल ने खतरनाक बल्लेबाज प्रथम निशंका को बाहर किया। फिर आया भारतीय गेंदबाजों का तूफान, जो श्रीलंका एक विकेट के नुकसान पर 140 रन पर खेल रहे थे, 30 रन बनाने में 170 रन पर वॉल आउट हो गई। श्रीलंका को वॉल आउट करने के पीछे रियान परख का बड़ा हाथ है। रियान परख इस मुकाबला में अपने बैट से तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन गेंदबाजी से कमाल का प्रदर्शन करके दिखाया। डेथ ओवर में एक ओवर 2 बॉल डालकर सिर्फ 5 रन दिया और 3 विकेट लिए और श्रीलंका को 170 रन पर वॉल आउट करके 43 रनों से बुरी तरह हराया। मैच के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव रियान परख से स्पेशल बात करते हुए दिखा गया। इस दौरान कप्तान साहब की खुशी देखने लायक थी।